आ गए आप साहब, स्वागत है अपना ही चैनल टेक्निकल सुजीत में। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ऐसा एडिटिंग करेंगे हम VN ऐप से। तो आपके मोबाइल में VN ऐप होना चाहिए, होगा भी, अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम अपने VN ऐप को ओपन कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। बिंद बाजा वाला जो वीडियो क्लिप है लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, एरो पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, क्लिक करके इसका जो फ्रेम है 9:16 पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। जो वीडियो अभी आप डाउनलोड किए ऐड किए उसको आप फिर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसी में साउंड है। इसका आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा, चूज वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आप डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद फिर आप म्यूजिक बार पे क्लिक कीजिएगा, बीट पे क्लिक कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कहां कहां पर बीट गिरेगा, आप यहां से टिक लगा लीजिएगा। चलिए दो चार लगा करके आपको दिखा देते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट बीट है 8.18 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं 8.18 सेकेंड। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं 8.18 सेकेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे आ चुके हैं। फिर हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। फिर मेरा जो अगला बीट है 8.37 सेकेंड। तो चलिए हम इसे आ जाते हैं 8.37 सेकेंड आ चुके हैं, फिर हम टिक लगाएंगे। फिर मेरा जो अगला है 8.48 सेकेंड। तो चलिए हम इसे आ जाते हैं 8.48 सेकेंड, फिर हम टिक लगा लेंगे। इसी प्रकार से आप बारी बारी से सभी बीट को टिक कर लीजिएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो हम अपने सभी टिक को लगा लिए, उसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो साउंड है आप ऑफ कीजिएगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट टिक है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपने वीडियो को स्प्लिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलिएगा 10.38 सेकेंड पे, वहाँ पर एक टिक होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से 10.38 सेकेंड पे आइएगा, यहाँ से आप स्प्लिट कर दीजिएगा। उसके आगे जितना भी टिक है उस पर आप क्लिक करके स्प्लिट करते जाइएगा। तो चलिए हम ऐसे कर देते हैं, टिक पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, फिर अगले पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, फिर अगले पे क्लिक करके स्प्लिट, फिर अगले पे क्लिक करके स्प्लिट कर दीजिएगा। आगे इसका वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, डिलीट कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप अपने फर्स्ट भाग पे आइएगा, जो आप छोटा सा भाग कटिंग किए ये वाला, इस पर आइएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। इसके आप स्टार्टिंग की तरफ आइएगा थोड़ा सा, उसके बाद आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप फोटो पे क्लिक कीजिएगा, सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो फोटो ड्यूरेशन है इस पर आप क्लिक करके इसका जो ड्यूरेशन है आप कम कर दीजिएगा, 1 सेकेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कटिंग करने में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो हम 1 सेकेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम बैक वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप 12 फोटो को ऐड कीजिएगा। तो चलिए आप सबके सामने 12 फोटो को ऐड करके आपको दिखा देते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो हम अपने 12 फोटो को ऐड कर लिए, उसके बाद आप एरो पे क्लिक कीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब इसको जहाँ जहाँ पर आप टिक लगाए हैं आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टाइमलाइन हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ताकि हम अच्छे से कटिंग कर सकें, अच्छे से मैचिंग कर सकें। इतना हो जाने के बाद आपका जो अगला टिक है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इसको आप छोटा करके इक्वल साइज में कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से।
फिर आप अगले पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक करके आप इसको इक्वल साइज में कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आप अगले पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक करके आप इसको इक्वल साइज में कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप बारी बारी से सभी फोटो को यहाँ पर इक्वल साइज में कर लीजिएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो हम अपने सभी फोटो को इक्वल साइज में कर लिए। इतना हो जाने के बाद फिर आप आगे की तरफ चलिएगा, यहाँ पर भी आपको दो टिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा भाग देखने को मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कीजिएगा और इसके बीच में आपको एक फोटो लगा देना है। तो फोटो लगाने के लिए फिर आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिएगा। जो फोटो आप इसमें लगाना चाहते हैं आप यहाँ से एक फोटो को ऐड कीजिएगा, उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से एक फोटो को ऐड कर लेते हैं। एरो पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप अपने अगले टिक पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक करके आप इसको इक्वल साइज में कर लीजिएगा। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, फिर यहाँ पर एक छोटा सा भाग आएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कीजिएगा। आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक कीजिएगा। जो फोटो इसमें आप लगाना चाहते हैं एक फोटो को ऐड कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से फिर से हम इस फोटो को ले लेते हैं, एरो पे क्लिक कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आप इसको इक्वल साइज में कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ से स्क्रॉल करके आप आगे की तरफ चलिएगा, फिर आपको एक छोटा सा भाग देखने को मिल जाएगा, डिलीट कीजिएगा। इसके स्टार्टिंग की तरफ आइएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक कीजिएगा। जो फोटो इसमें आप लगाना चाहते हैं एक फोटो को ऐड कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से एक फोटो को ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, एरो पे क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आप इसको इक्वल साइज में कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको इक्वल साइज में कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, मेरा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद लास्ट से जितना भी आप फोटो अप्लाई किए, जो भी ऐड किए, इसमें आपको जीते रहे डाउन वाला जो इफेक्ट है अप्लाई कर देना होगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। हम अपने फर्स्ट फोटो पे आएंगे लास्ट से, ठीक है। लास्ट से आप फर्स्ट फोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, इसमें आपको अप्लाई कर देना होगा जीते रहे डाउन वाला इफेक्ट्स। फिर डाउन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप स्टार्टिंग के तरफ आइएगा कुछ इस प्रकार से। दो नंबर पे इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, इसमें भी आप जीते रहे डाउन वाला जो इफेक्ट्स है अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आप स्टार्टिंग के तरफ आइएगा, अपने फोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, इसमें भी आप जीते रहे डाउन वाला जो इफेक्ट्स है अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए कर देते हैं, डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप स्टार्टिंग के तरफ आइएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर हम 12 फोटो को ऐड किए, तो इसमें आपको तीन फोटो में जीते रहे डाउन वाला जो इफेक्ट से अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से लास्ट से तीन फोटो में हम अप्लाई कर देते हैं जीते रहे डाउन वाला इफेक्ट। आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे फर्स्ट फोटो में कर देते हैं जीते रहे डाउन, डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हम अगले पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसमें जीते रहे डाउन वाला जो इफेक्ट है अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम ऐसे कर दिए, फिर हम यहाँ से डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हम अगले फोटो पे क्लिक करेंगे लास्ट से तीन नंबर पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, स्टार्टिंग में आइएगा, फिर इसमें आपको अप्लाई कर देना होगा जीते रहे डाउन वाला, अप्लाई कर दिए, डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा आईडी मेंशन है यहाँ पर। अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर लीजिएगा। टैब टू ऐड सबटाइटल पे क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आप अपना आईडी मेंशन कर दीजिएगा, या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो हम लिख लिए न्यू ट्रांजेक्शन वीडियो, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप अपना आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमको छुपा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लिए। इतना हो जाने के बाद डबल ए पे क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं लॉलीपॉप वाला कुछ इस प्रकार से। कलर पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आप कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हम उजला कलर रहने देते हैं। स्ट्रोक पे यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में हम ब्लैक कलर दे देते हैं कुछ इस प्रकार से। आप जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। थोड़ा सा हम राउंड में कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इसको ओवरलैप कर देंगे, उसके ऊपर ले जा करके रख देंगे कुछ इस प्रकार से। आप अच्छे तरीके से इसको सेट कर लीजिएगा। तो हम इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से उसको हाइड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसका जो साइज है आप इक्वल साइज में कर लीजिएगा, मेरा यहाँ पर हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, मेरा वीडियो बनके तैयार हो चुका है।
कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।